हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम होता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीवो के फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो सिंपली शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमको जो मोबाइल सेटिंग होती है उसको हमें ओपन करना है। गाइस मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होते होंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको शो होता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो गाइस इस ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको जो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पर शो होता होगा स्क्रीन टाइम आउट। तो गाइस सिंपली यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप अपनी जो स्क्रीन ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके 15 सेकंड्स हो तो यहाँ पे आप 30 मिनट्स, 10 मिनट, 5 मिनट भी कर सकते हो, फिर 2 मिनट्स, 1 मिनट भी कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से अपनी जो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। और गाइस अगर आपके यहाँ पे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी थी, यहाँ से आप इतनी ब्राइटनेस भी ज़्यादा या कम कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने अडेप्टिव ब्राइटनेस मतलब ऑटो स्क्रीन ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग को भी आप ऑन कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से अपने ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।